नमस्कार, शुभ समाचार आज वाराणसी से है। हम सभी पीने योग्य साफ पानी के लिए अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर या फिर आरओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है आपने कि एक गिलास साफ पानी के चक्कर में हम 3 गिलास पानी बर्बाद कर रहे हैं। ये सोचा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2 छात्र नवीन और रोहित ने। उन्होंने एक ऐसा आरओ सिस्टम इजाद किया जो 3 गिलास स्वच्छ जल देता है, बर्बाद होता है सिर्फ 1 गिलास पानी। आप ये शुभ रिपोर्ट देखें। देश के कई हिस्सों में बूंद बूंद पानी को जेवर की तरह सहेज कर रखा जाता है। कभी पानी पर पहरा लगाया जाता है तो कभी ट्रेन से पानी दूसरे इलाकों में भेजा जाता है, लेकिन हम पानी की बचत के लिए कोई जतन नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने घरों में जो वाटर प्योरिफायर या आरओ सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसमें 1/4 पानी शुद्ध निकलता है तो 2/3 पानी व्यर्थ बह जाता है, यानी 4 गिलास पानी में 1 लीटर पीने को मिलता है, 3 गिलास पानी नाली में बह जाता है। वाटर प्योरिफायर या आरओ सिस्टम से व्यर्थ बह जाने वाले पानी को बचाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के 2 छात्रों नवीन और रोहित ने एक ऐसे आरओ सिस्टम का इजाद किया जो 4 गिलास पानी में पीने योग्य 3 गिलास शुद्ध पानी देता है, बर्बाद होता है तो सिर्फ 1 गिलास पानी। इसको आप कुछ इस तरह समझिए, फिलहाल मार्केट में जो भी आरओ सिस्टम मौजूद है वो 100 लीटर पानी में से 30 लीटर पीने लायक पानी ही देते हैं, जबकि 70 लीटर वाटर बर्बाद हो जाता है। जबकि नवीन और रोहित के इजाद किए गए आरओ सिस्टम से ठीक उल्टा होता है, 70 लीटर पानी पीने लायक निकलता है और सिर्फ 30 लीटर पानी ही बर्बाद होता है। नवीन और रोहित के आरओ सिस्टम से मिलने वाले प्रति लीटर पानी की कीमत 26 पैसे है, जबकि बाकी कंपनियों के आरओ सिस्टम करीब 55 पैसे प्रति लीटर पानी देते हैं। हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें हम लोग 70 लीटर प्योर करते हैं और 30 लीटर ही हमारा वेस्ट होता है, तो मतलब हम लोगों ने 50% प्रोडक्ट को एफिशिएंट कर दिया है। इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने एनर्जी भी सेव की साथ में और जो कॉस्ट पर लीटर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पानी की वो भी हम लोगों ने उसको हाफ कर दिया। नवीन और रोहित का ये आरओ सिस्टम ना सिर्फ पानी की बचत करता है बल्कि बिजली भी बचाता है। नवीन और रोहित का ये आरओ सिस्टम फिलहाल इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। उनका कहना है कि अगले 2 वर्षों में आरओ सिस्टम को फैमिली यूज के लिए लॉन्च करेंगे। वाराणसी रीजन्स में कई जगह प्रोडक्ट हमने इंस्टॉल कर चुके हैं और होपफुली हम लोग जो है अगले 2 साल में इसको डोमेस्टिक मार्केट में भी लेकर आ जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। नवीन और रोहित के आरओ सिस्टम प्रोजेक्ट को पूरा करने में BHU IIT के मालवीय सेंटर से भरपूर मदद मिली। मालवीय सेंटर से शोध के लिए 6,40,000 रुपयों की मदद दी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने भी 6,02,000 रुपए की मदद दी। नवीन और रोहित ने बताया कि उन्हें इस आविष्कार के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल क्लीन टेक इनोवेशन प्रोग्राम 2016 में उनके शोध को टॉप 20 स्थान मिला। बल्कि UNDP का जो क्लीन टेक टेक्नोलॉजी पर आधारित जो स्टार्टअप है उसमें भी टॉप 20 में ये इस बार सिलेक्ट हुए हैं और फाइनल्स में भी जा रहे हैं। आरओ मशीन को बनाने में नवीन और रोहित को 8 महीने का समय लगा। इनका दावा है कि ये आरओ सिस्टम 50% वाटर और पावर दोनों की बचत करता है और बाजार में बिकने वाले किसी भी आरओ सिस्टम से सस्ता है। हम लोग तो करीब इसमें 1.5 साल हो गए जिस हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारा केवल एक ही मकसद है कि पानी बचाना है, इसलिए हमारी जो टैग लाइन है वो भी यही है, पयो रक्षति रक्षन्तम, जो पानी की रक्षा करता है पानी उसी की रक्षा करता है। बहुमूल्य पानी को व्यर्थ बहने से रोककर रोहित और नवीन ने अपना काम कर दिया है। न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी अपने इस आविष्कार से रोहित और नवीन ने ख्याति बनाई है। नवीन और रोहित ने अब अपने इजाद किए गए आरओ सिस्टम के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। रवि कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। 2 छात्रों के जल स्वराज की कहानी और अब आगे बढ़ते हैं। आपके किसानों की खुदकुशी के किस्से तो कई सुने होंगे, लेकिन हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे किसान की कहानी दिखा रहे हैं जो हारना नहीं जानता, निराशा की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।
ये कहानी जलगांव के किसान विठोबा मांडोले की है। खाट से 3 एकड़ खेत जोत डाला और वो भी 3 दिन में। विठोबा के पास खेती ही मात्र एक कमाई का जरिया है। खेत में विठोबा मांडोले अपने बेटे के साथ खाट पर बैठे हैं। ये बेघर नहीं है, घर है, परिवार है, सोने और आराम करने की जगह भी है। लेकिन विठोबा खेत में खाट लगाकर बैठे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के जलगांव के विठोबा मांडोले परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। हजारों किसानों की तरह विठोबा भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दिन रात मेहनत करके किसी तरह बरसों में 25,000 रुपए जोड़ लिए। उन पैसों से एक वर्ष के लिए खेती योग्य एक छोटी सी जमीन भी लीज पर ले ली। लेकिन समस्या वही की वही रही, न बैल और न हल। खेत की जुताई कैसे हो, बीज कैसे बोए जाए। विठोबा कहते हैं कि सरकार से भी तो कोई मदद नहीं मिलती। विठोबा ने एक जुगत निकाली, घर की खाट खेत में ले आए और खाट का ही हल बना लिया और खुद को बैल, और फिर शुरू हुई खेत की जुताई। आम्ही तरी हिम्मत होतो आहे बा, तरी त्याच्यावर आहे नाही आम्ही, तरी आम्ही काय कामाचा नाही तो मोदी सरकार काय आमच्याकडे लक्ष तरी घेईन बा, असं काहीच नाही त्याच्यावर बा। असं विठोबा ने बारिश के बाद नम हुई जमीन को जोतने के लिए अपनी खाट पर एक भारी पत्थर रखा और फिर उसे खींचना शुरू किया। ऐसा करने से उनके खेत में 3 इंच तक जुताई हो गई, जो कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। बेटा भी विठोबा की मदद कर रहा है, 12वीं पास कर चुका है, लेकिन घर में पैसा ना होने के कारण और आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा। वो भी कहता है, हम अपना काम करेंगे, कोई मदद करे या नहीं। त्या वर्षापासून आले निवडून, त्या वर्षापासून आमच्या जळगाव तालुक्यामध्ये एकही त्यांना कुठल्याही प्रकारे कुठे काही ध्यान नाही दिलेलं। फिलहाल विठोबा मांडोले अपने बेटे के साथ खेती के काम में लगे हैं। वो मेहनत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विठोबा जैसे किसान महाराष्ट्र और देश के तमाम हिस्सों में खुदकुशी करने वाले किसानों के लिए सबक है। जो फसल खराब होने और कर्ज में दबे होने के कारण जिंदगी से हताश होकर मौत को गले लगा लेते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से विकास भदाणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जलगांव के विठोबा से देश के उन तमाम किसानों को सीख लेनी चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में मौत का रास्ता अपना लेते हैं। हम आपको 2014 के आंकड़े दिखा रहे हैं जिन्हें गृह मंत्रालय की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जारी किया है। 2014 में भारत में 5,650 किसानों ने खुदकुशी की। भारत में कुल आत्महत्या की 4.3% गिनती किसानों की है। 2014 में फसल बर्बादी से 952 किसानों ने खुदकुशी की। 2014 में कर्ज में दबे 1,163 किसानों ने अपनी जान ले ली। तो ये देश की हकीकत है कि जो किसानों के जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। लेकिन ऐसा कोई विपरीत कदम उठाने से पहले जो हताश किसान हैं वो विठोबा को जरूर याद कर लें। खुद की पढ़ाई भले ही लकड़ी की लेखनी से की हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हाईटेक बनाना है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही जिद है महाराष्ट्र के बुलढाणा के सिंधखेड़ गांव की महिला सरपंच विमल ताई कदम की। विमल ताई खुद 4थी पास हैं, लेकिन गांव की लड़कियों और लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा का इंतजाम किया है, वो भी अपने खर्च पर। उनका कहना है कि लड़कियां कंप्यूटर सीखेंगी तभी वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगी। तस्वीरों में हरी साड़ी में दिखाई दे रही 70 वर्ष की विमला ताई कदम महाराष्ट्र के बुलढाणा के सिंधखेड़ गांव की सरपंच हैं। वो खुद 4थी पास है, लेकिन मानती हैं कि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सिंधखेड़ गांव की इस तस्वीर को देखकर आप इस गांव के पिछड़े होने का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर गांव के प्रगतिशील होने की गवाही दे रही है। गांव की सरपंच विमला ताई ने गांव के लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा के खास इंतजाम किए हैं। विमला ने 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है, संगणक साक्षर यानी डिजिटल सिंधखेड़ और बेटी कमाएगी खुद की रोटी। बड़ी बात यह है कि इन दोनों योजनाओं में होने वाला पूरा खर्च वो अपने जेब से दे रही है। 2 योजनाएं चालू कर रही है हमारे ग्राम पंचायत, उसका नाम है डिजिटल सिंधखेड़ और दूसरी योजना है हमारे बेटी कमाएगी खुद की रोटी। ये दोनों योजना का जो खर्च आएगा वो ग्राम पंचायत की तरफ से
हमारे सरपंच विमलताई कदम स्वखर्चे कर रही है। इस योजना के तहत गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर के उन प्रोग्रामों की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो खुद पैसा कमा सके। 2200 की आबादी वाले इस गांव में 5 से 70 वर्ष की उम्र के जो लोग भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उन्हें मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। यही वजह है कि विमला ताई का कंप्यूटर लैब लबालब भरा रहता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। गांव के लोगों को इंटरनेट के बारे में भी बताया जा रहा है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में और दूसरी जानकारियां एक क्लिक पर मिल रही हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चों को आगे भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हम सब महिलाओं के वती से वो भी एक हमारे जैसी महिला ही है, इतनी बड़ी सोच उनकी हमारे बच्चों के लिए है, हम सब उनके दिल से शुक्रगुजार है। गांव के लोगों में कंप्यूटर शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुझान बढ़े इसके लिए जल्द ही और 4 कंप्यूटर लगाने की तैयारी है। लड़कियों को शिक्षा मिले इसके लिए ग्राम प्रधान विमला ताई ने खुद गांव की 4 लड़कियों को गोद ले रखा है और उनकी शिक्षा में होने वाला सारा खर्च वो खुद कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा। विमला ताई कदम जैसे लोगों की कोशिशों को देखने के बाद लगता है कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने में वक्त जरूर लग सकता है लेकिन होगा जरूर। बुलढाणा से संतोष लोखंडे के साथ अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से आ रही है जहां पुलिस ने बिल्डिंग हादसा मामले में एक चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अनुज सिंह कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। मेरठ हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। यह हादसा हम आपको याद दिला दें, अतिक्रमण हटाने के दौरान बिल्डिंग गिरने से हुआ था। अतिक्रमण हटाने वाली टीम हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी तो पुलिस ने चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज सिंह जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरठ हादसे में कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान बिल्डिंग गिरने की वजह से ये हादसा हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर दरअसल ये टीम पहुंची थी वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए। तो कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो कम से कम ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता राजू सिंह इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिए, राजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, क्या डिटेल्स हैं इस खबर पर? जी देखिए, आपको सबसे पहले बताऊंगा, सुबह लगभग 5 बजे के आसपास 210B जिसमें की एक अवैध निर्माण 4 मंजिली इमारत थी उसको कोर्ट के आदेश पर गिराया गया और उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की जब सूचना आई तो उससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। 5 लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा निकाला गया तो इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, फिलहाल मौके पर डेड बॉडीज के जो है पहुंच गई हैं और काफी संख्या में यहां पर भीड़ जो है एकत्रित है और काफी आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने एक CEE अनुज सिंह की गिरफ्तारी कर ली है लेकिन पब्लिक की ये डिमांड है कि जितने भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल बॉडी को लेकर और चौराहे पर रखकर उसके जाम लगाने की यहाँ पर तैयारी है। फिलहाल मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ पर तो राजीव, अभी सिर्फ इस मामले में एक को ही गिरफ्तार क्यों किया गया? जो दोषी जितने भी अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं की गई? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक जो राजीव श्रीवास्तव है IRDS के अधिकारी जिनको गिरफ्तार करने के लिए पहले शासन से परमिशन लेनी पड़ती है और जो दूसरे JEE और जो दूसरे अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस जरूर कर रही है लेकिन फिलहाल एक जो अनुज सिंह है उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। लेकिन जो लोग हैं उसमें आक्रोश जो है अभी तक ठंडा नहीं है। उनका कहना है जितने भी लोग हैं जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही जो है आगे की कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो पुलिस ने मेरठ में जो बिल्डिंग हादसा हुआ उसमें एक गिरफ्तारी जरूर की गई है। चीफ इंजीनियर अनुज सिंह को गिरफ्तार किया गया है लेकिन लोगों की यह मांग है कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं इस मामले में उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए।